हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं FST 25। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, assertion, dimension, dimensional, constant आर quantity, उस वैल्यू आर constant। ठीक है, dimensional constant, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इनकी वैल्यू हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एसर्शन क्या है? एकदम सही है। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। ठीक है, ये कह रहा है कि डायमेंशनल जो कांस्टेंट होते हैं इनकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशनलेस होती है। तो क्या इसका डायमेंशन नहीं होता है? डायमेंशन होता है। तो हमारा एसर्शन क्या है? एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स है। Assertion क्या है? ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है? फॉल्स है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी होती है डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं 2v। एंगल कितना दिया है? 40। तो 40 का आधा कितना आ गया? 40 बाई अगर 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2v साइन 20 के बराबर। आंसर हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू सॉलिड वॉल ए एंड बी हुज मासेस आर 200 ग्राम एंड 400 ग्राम आर रिस्पेक्टिवली आर मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक लेफ्ट जा रहा होगा तो दूसरा राइट। इफ द वेलोसिटी ए इज इतना एंड द बोथ वॉल कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन रेस्ट पे आ जा रहा है, देन द वेलोसिटी ऑफ बी बॉल, हमसे बी बॉल की वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, पहले का मास क्या है? m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले का मास कितना है? इसको केजी में करें, 0.2 इनटू वेलोसिटी कितनी दी गई है? 0.3 प्लस इसका मास कितना है? 0.4 v2। इसको इस साइड ले आए, v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -0.2 इनटू 0.3 अपॉन 0.4 के बराबर। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये कितना हो गया? 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.15 यानी -0.15 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो दूसरा कितने से जा रहा होगा? 0.15 मीटर पर सेकंड के बराबर से। ठीक है, अगर एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोजिट जा रहे हैं, क्रॉस जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है। ठीक है, द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल ड्यूरिंग टाइम रीच इट्स हाइएस्ट पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको इनिशियल यू से फेंका गया है, जब ये पार्टिकल हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो वर्क डन क्या होगा? ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? -mgh के बराबर। माइनस क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना? h। तो w इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? -mg। h हाइट कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर अल्फा अपॉन बराबर 1g से 1g गया, कितना हो जाएगा ये? -mu स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर। कितना वर्क होगा? -mu² sin² अल्फा बाई 2 के बराबर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट ए इंजन इज अहेड टू ए वैगन थ्रू ए स्वॉप एब्जॉर्ब ऑफ लेंथ इतना द इंटायर सिस्टम विद ए टोटल मास इतना पूरे सिस्टम का मास इतना दिया है मूविंग विद द स्पीड इतना स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है ठीक है इसको मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 अपॉन 18 ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ठीक है वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड टू ब्रिंग टू इट्स रेस्ट इन द प्रोसेस द स्प्रिंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर गेट कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर कितना कंप्रेस हो रहा है 1 मीटर 90% ऑफ द एनर्जी अब एनर्जी वैगन लॉस कितना एनर्जी लॉस कर रहा है 90% तो बचेगा कितना है 10% द स्प्रिंग कांस्टेंट हमसे पूछ रहा है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होगा एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है हाफ मास टोटल कितना दिया है 5000 इंटू वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई इसका कितना परसेंट बच रहा है 90% लॉस हो गया तो बचा कितना 10% तो इसको लिखते हैं 25 इंटू 10 की पावर 5 10 बटे 100 एक से गया ये हो गया 4 तो हमारी बची कितनी 25 इंटू 10 की पावर 4 ठीक है इतनी एनर्जी और किसके बराबर हो जाएगी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर ठीक है वैल्यू रख देते हैं के काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है 25 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू हाफ के निकालना है एक्स कितना कंप्रेस हुआ है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही इसको मल्टीप्लाई करा है तो ये कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25 दुनी 50 5 इंटू 10 की पावर 5 के बराबर कोई आंसर बन रहा है 5 इंटू 10 की पावर 5 के बराबर देख लो एक बार अच्छे से नेक्स्ट करा ए सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम ए सोन इफ एम एंड एल आर रिप्रेजेंटेड द मास बॉब एट द लेंथ ऑफ पेंडुलम द स्पीड ऑफ पेंडुलम बॉब एट बी बी पॉइंट पे स्पीड पेंडुलम का क्या होगा ठीक है जो यहां से पोटेंशियल एनर्जी जब रिलीज की मतलब यहां से जब हम ए पॉइंट से रिलीज करेंगे तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही वही हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो ये अगर एच है तो इस पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा इसका एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस 30 के बराबर ये 30 है तो एल कॉस 30 के बराबर एच इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एल कॉस 30 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एच और ये किस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो किसके फॉर्म में गेन होगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर ये एम से एम गया जी एच की वैल्यू कितनी आई है एल कॉस 30 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 इसको इस साइड ले जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 तो जी एल इंटू 2 रूट 3 बाई 2 ये 2 से 2 गया वी स्क्वायर वी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी है रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 जी एल के बराबर कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड देख लो नेक्स्ट पी टाइप हो चाहे एन टाइप ये हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप, कैसे होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आर पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्किल विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड? कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब ये क्या कर रहा है? ये हमारा कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है? तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या होता है? टेंजेंट टू द सर्किल। वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट होता है सर्किल पे, सही है स्टेटमेंट। एक्सिलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, कर रहा है एक्सिलरेशन वेक्टर हमारा सर्किल पे टेंजेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा जो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। इसमें क्या रहता है? केवल सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो यही हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही एक्सिलरेशन वेक्टर पॉइंट टू सेंटर ऑफ द सर्किल, ये होता है। इस यही क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। वेलोसिटी और एक्सिलरेशन वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी वेक्टर ये होता है टेंजेंट रहता है, और ये क्या होता है? एक्सिलरेशन वेक्टर आपस में क्या बनाते हैं? 90। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, टू मासेस ए एंड बी ऑफ 10 kg और ये दिया है 5 kg, ठीक है? रिस्पेक्टिवली आप कनेक्टेड विद स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड एट ए कॉर्नर ऑफ ए टेबल एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्रिक्शन ऑफ ए विद टेबल इज 0.2। ये इसके बीच फ्रिक्शन हमें कितना दिया है? 0.2 का। तो कह रहा है द मिनिमम मास ऑफ सी, कितना मिनिमम मास सी का रखे हैं? एट मे बी प्लेस ऑन ए प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग। कितना मास सी का हम रखे हैं कि ये मास मूव ना कर जाए, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है? इस रोप में हमने मान लिया है टेंशन टी है, टी है, ठीक है? इसका वेट कहां लग रहा है? एम जी नीचे। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास इंटू जी 10। कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। तो टेंशन कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का। तो यहां भी टेंशन कितना लगेगा? 50 न्यूटन का। और टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? टी इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू एन के बराबर। म्यू हमारा कितना है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? दोनों का मास एम ए प्लस एम सी इंटू जी के बराबर। वैल्यू रख देते हैं 0.2। एम ए का मास कितना है? 10 प्लस मास इसी का निकालना है। टेंशन कितना निकाला है? 50। वैल्यू रखते हैं, एम सी कितना आ जाएगा हमारा? इसको जब वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखते हैं, जी और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50/2 इक्वल टू एम ए प्लस एम सी के बराबर, ठीक है? इसका हमें मास दिया है कितना? 10। ये कितना हो जाएगा? 25-10 इक्वल टू एम सी। तो एम सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 kg के बराबर। तो मास सी का कितना आ जाएगा? 15 kg के बराबर। जब सी का मास 15 kg रखेंगे तो ये सिस्टम क्या होगा? रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है? देख लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है? ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? एसर्शन सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये क्या बनाएंगी? दो टेंजेंट बनाएंगी, और एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा एसर्शन तो सही बोल रहा है, इसके वजह से अगर क्रॉस करती तो स्टेटमेंट गलत था, नेवर क्रॉस सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे मतलब फोर्सेस का सुपर इम्पोजिशन कराते हैं तो हमारा एक जो नेट रिजल्टेंट आता है वो एक आता है फोर्स। जैसे एक पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ठीक है? इन सब का एक नेट फोर्स आएगा,
सबका एक ही नेट फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये भी रीजन भी सही बोल रहा है, लेकिन ये रीजन इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि मतलब इसको अगर हम कट करें तो इसको नेवर कट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये इसको मतलब एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी स्टेटमेंट सही बोल रहा है, लेकिन ये इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर इस लाइन को अगर मान लो क्रॉस करते एक दूसरे को, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करती तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनते हैं, अब दोनों टेंजेंट पे हमारा क्या होती, दो फील्ड लाइंस जाती, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नेक्स्ट, ए गन फायर बुलेट ईच ऑफ मास 1 ग्राम विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्सर्टिंग ए कॉन्स्टेंट फोर्स इतना ग्राम वेट देन द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितने बुलेट फायर पर सेकेंड करेंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन, मान लो एन नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किया, एम वी बाई टी पर सेकेंड, मतलब ये टी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। फोर्स कितना है, 5 ग्राम पर वेट, मतलब 5 इंटू पर वेट है, ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 5g/1000, ये गया, ये 0.05 के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एन बुलेट मास कितना दिया है, एक बुलेट का 1 ग्राम, यानी 1 × 10 की पावर, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10, तो ये 2 हो जाएगा, इसको क्रॉस करा है, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.05 × 100, ये नीचे गया, 2 से 2 5 के बराबर। कितना बुलेट फायर करेंगे पर सेकेंड, 5 बुलेट, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द एक्सप्लेन हाइगेंस वेव थियरी, ठीक है। हाइगेंस वेव थियरी से हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन, ये सारी चीजें बताई गई थी, कौन सी नहीं बताई गई, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, द ग्राफ एक्स और 1/T, एक्स और 1/T किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए हमारा ग्राफ क्या होता है, 1x/T, ठीक है। क्या ग्राफ बनता है, एक्स 1/T के लिए, ठीक है, पैरामैग्नेटिक के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमारी पूरी की पूरी क्या होगी, कंजर्व होगी, वो दूसरे फॉर्म में रिडिस्ट्रीब्यूट उसको हम कर सकते हैं। तो हमारी एनर्जी जो होती है वो पूरा होल्ड करती है, कंजर्व होती है, ठीक है। एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और एक मतलब वो दूसरे फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराती है। नेक्स्ट, फ्रॉम ब्रेवस्ट लॉ एक्सेप्ट पॉलिशिंग मेटल्स द सरफेस द पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। पोलराइजिंग एंगल इसका रिलेशन होता है, म्यू इक्वल टू टेन आई पी, तो आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन म्यू के बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। और म्यू इक्वल टू हम पढ़े हैं क्या होता है, लैम्डा 1/λ2, ठीक है, मतलब हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईपी भी क्या करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, ठीक है। जो वेवलेंथ होगी डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होंगे, ठीक है, इस रिलेशन से। नेक्स्ट,
ए कन्वेक्स लेंस इज इमर्ज इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस देन इट्स फोकल लेंथ विल बी. फोकल लेंथ क्या होगा जब इमर्ज कराते हैं. एफ डैश होता है म्यू डैश म्यू माइनस वन अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश इंटू एफ के बराबर. ठीक है. जब क्या कह रहा है लेंस का और मीडियम का दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दें. जब ये दोनों की सेम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो के बराबर. वैल्यू अपॉन जीरो क्या होता है इनफाइनाइट के बराबर. तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बिकम्स इनफाइनाइट. नेक्स्ट इन द सर्किट इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप फॉर द डायोड इज 0.5 वोल्ट द करेंट विल बी. तो इसका करेंट क्या होगा. ठीक है. करेंट हमारा क्या होता है V by R के बराबर. ठीक है. कितना है पोटेंशियल A ड्रॉप कितने का हो रहा है माइनस 0.5 अपॉन रेजिस्टेंस 2.2 इंटू 10 की पावर 3. ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2.2. इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 3.4 मिली एम्पियर के बराबर. कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट देख लो. नेक्स्ट नियरर एंड फॉर पॉइंट फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई. ठीक है. नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियरर और फॉर पॉइंट क्या होती है. नियरर होता है 25 सेंटीमीटर और ये क्या होता है इनफाइनाइट के बराबर. मतलब हमारी नॉर्मल आई इनफाइनाइट तक देख सकती है. नियरर क्या देख सकती है 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इन ए पॉन्ड ऑफ वॉटर ए फ्लेम इज हेल्ड 2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वॉटर. ये वॉटर है. ठीक है. इसके ऊपर कितना मीटर है फ्लेम 2 मीटर. ठीक है. एंड फिश इज डेप्थ एट 4. यहां पे कोई फिश है वो कितने मीटर है अंदर 4 मीटर. ठीक है. तो इसको अगर हम पहले मान ले हाइट h1 इसका 2 मीटर ये h2 हो गया 4 मीटर. ठीक है. अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला फिर रखेंगे. ठीक. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 इसका क्या है म्यू 1.33 या 4/3 के बराबर. द अपरेंट हाइट ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द आई ऑफ द फिश. अपरेंट हाइट क्या होगी. ठीक है. अपरेंट हाइट हमारी हो जाएगी एच डैश इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन अपरेंट डेप्थ इसका h1 अपॉन सराउंडिंग 1. ठीक है. प्लस h2 अपॉन इसकी मीडियम म्यू वाटर. ठीक है. इसकी वैल्यू रख देते हैं. वाटर की क्या हो जाएगी 4/2 अपॉन 1. सराउंडिंग मीडियम क्या है एयर. इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1. प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन इसका कितना होता है 4/3. इसको रखेंगे तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 12. तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 12. यहां से 4 कॉमन करें तो 8 + 12 ये हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 20/4. इसको 4 से 4 गया 20/3 कितना होता है 6.66 के बराबर. ठीक है. अपरेंट हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 6.66 मीटर के बराबर. देख लो. नेक्स्ट ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. द फील्ड एट नियर बाई पॉइंट विल इंक्रीज आर डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज. ठीक है. अगर मतलब पॉइंट चार्ज जैसे नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ
तो फील्ड लाइंस अगर पास हुई ठीक, तो इसके मतलब उसके नेचर पे कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स द फील्ड लाइन एट नियर बाय पॉइंट विल बी इंक्रीज। अगर फील्ड लाइंस नजदीक होंगी तो बढ़ भी सकती हैं, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो, और निगेटिव हुआ तो कम होंगी ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। और वो मतलब फील्ड लाइन्स हमारी उसके चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है, फील्ड लाइन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज ठीक है। एसर्शन तो हमारा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है, जबकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके नेचर पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और हमारे निगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है, देख लो। नेक्स्ट सो वोल्ट एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू एलसीआर सर्किट, एल इक्वल टू इतना, सी इतना और आर ये हमें दिया है, कनेक्टेड टू सीरीज। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, हमसे क्या पूछा है, क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, 1/R अंडर रूट एल बाई सी के बराबर ठीक है। सारे वैल्यू दी गई है, 1/10 अंडर रूट एल कितना दिया है, 8.1 मिली हेनरी 10^-3 अपॉन ये है 12.5 10^-6 ठीक है। इसको रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये 3 से ये 3 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 और 1000 से बाहर निकलेगा 10 इंटू 9 81 किसका होता है रूट 9 अपॉन 125 11 पॉइंट समथिंग का ठीक है, 11.1 मान लो, इसको डिवाइड करें 10 से 10 गया ठीक है, ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 27 और ये हो जाएगा 2.54 के अप्रॉक्स ठीक है, 2.54 के अप्रॉक्स देख लो। नेक्स्ट एमएन ऑफ मास एम स्टैंड एट वन एंड ऑफ प्लैंक, ये एक कोई प्लैंक है जिस पे एक आदमी खड़ा है एक एंड पे ठीक है, ऑफ लेंथ एल, प्लैंक की लेंथ कितनी दी गई है एल, विच लाइज एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, द मैन वॉक अदर एंड ऑफ द प्लैंक, मैन यहां से वॉक करके कहां चला गया, अदर एंड, इफ इज 3 और इसका मास कह रहा है 3m, द डिस्टेंस दैट द मैन मूव रिलेटिव टू ग्राउंड, तो रिलेटिव टू ग्राउंड कितना, जब मैन यहां से चलना चालू किया होगा तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये जब इसको आगे की तरफ करेगा तो ये पीछे मान लो कि प्लैंक कितना डिस्प्लेस कर गया x, तो ये मैन कितना चला होगा यहां से यहां तक, ये चला होगा l माइनस एक्स के बराबर ठीक है, तो रखते हैं कंजर्व कराते हैं, तो ये L माइनस एक्स इंटू मैन का मास कितना है m इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लैंक चला x, उसका मास कितना है 3m के बराबर, m से m कैंसिल, यहां से x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू l, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा l बाय 4 के बराबर, तो प्लैंक कितना चला L by 4, तो मैन कितना चला होगा प्लैंक पे L minus X, तो यहां से निकालते हैं L minus L by 4, तो ये कितना आ जाएगा 3L by 4 के बराबर, तो मैन कितना चला 3L by 4 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड देख लो। नेक्स्ट ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल
सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद क्या हो जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। इफ वन वॉन्ट टू कीप मूविंग ऑन द सेम सरफेस विथ वेलोसिटी इतना द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो निकालते हैं v इक्वल टू यू माइनस 80 रिटायर्ड करेगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, मतलब हमारा क्या हो रहा है रिटार्डेशन, ये जीरो। इनिशियल कितना दिया है 4 माइनस ए, कितने समय में 2 मिनट 2 सेकेंड में, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतने से रिटार्ड कर रहा होगा। ठीक, तो फोर्स हमारा पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू मास कितना दिया है 2 kg 4 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा 4 न्यूटन के बराबर, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, रिएक्टेंस इतना ओम हैज रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज प्लेस द सीरीज विद कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना, द कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड टू एन एसी ऑफ इतना बोल्ट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर हमसे पूछा है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है आर बाई जेड के बराबर। अब पहले हम इंपीडेंस निकाल लें, जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल कैपे, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें कितना दिया है 31 माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर कितना दिया है 8 ओम, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका करेंगे 31 माइनस 25 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110 के बराबर। तो फाइव इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 8 अपॉन जेड कितना आया है 10 यानी 0.8 के बराबर, पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0.8 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा 4, देख लो। नेक्स्ट, इन सोन सर्किट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट शुड बी अटैच इन पैरेलल टू 16 ओम सो नो करंट फ्लो इन 5 ओम, कितना हम इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाएं कि यहां पे जो 5 ओम वाला है यहां से कोई भी करंट फ्लो ना हो, मतलब हमें क्या करना है व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है। ठीक है, इनका अगर रेशियो देखें जो रेशियो इनका आना चाहिए वही इसका है, अगर आ जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ये क्या है 6:12 तो ये कितना है 1:2, ये भी हमें क्या करना है 1:2, ये क्या है 4, अगर हम यहां पे 8 ला दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1:2, 8 कैसे आएगा 8, अगर हम यहां पे 8 ला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो x निकालते हैं 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 16 अपॉन एक्स प्लस 16, ठीक है 8x प्लस 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 16x, इसको इस साइड लेके आए तो ये क्या हो गया 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 से 8 गया 16 के बराबर। इसके पैरेलल में हम 16 ओम का रेजिस्टेंस लगाएं 16 ओम का, तो ये हमारा ब्रिज कैसा हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे हमें कितना लगाना पड़ेगा पैरेलल में 16 ओम का। नेक्स्ट, ए सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर,
द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड इन एयर एंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड. मतलब वाटर में स्पीड ये था और एयर में 300 मीटर पर सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर. तो जो एयर में खड़ा है वो फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, तो एक मीडियम से दो दूसरी मीडियम में जाने पे हमारा फेज और फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें चेंज नहीं होती है. जो पहले होती है वही बाद में होती है. तो पहले 600 है तो बाद में भी 600 होगा. फेज फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है. ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें चेंज होती हैं. तो फेज तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 ही. नेक्स्ट, ऑन विच प्रिंसिपल डज सोनोमीटर वर्क. सोनोमीटर किस पे वर्क करता है, रेजोनेंस पे. किस पे करता है, रेजोनेंस पे. ठीक है, नेक्स्ट, ए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी इज इतना मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी द वैल्यू व्हेन टेम्परेचर इज डबल एंड प्रेशर इज हाफ. ठीक है, प्रेशर हाफ करें और टेम्परेचर डबल करें तो क्या होगी वैल्यू वेलोसिटी की. वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट गामा आरटी बाई एम के बराबर. किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे. वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट टू टी अपॉन टी. टी से टी गया. वी वन कितना दिया है पहले, 330 रूट टू के बराबर. वी टू हमारा कितना हो जाएगा, 330 रूट टू के बराबर. थर्ड भी है और फोर्थ भी है, दोनों ऑप्शन क्या है, सेम ही है. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक सेम होगा. नेक्स्ट, थ्री चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट वर्टिक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर. द फाइंड द फोर्स चार्जेस माइनस क्यू. इस पे हमसे फोर्स पूछ रहा है, इस पे. तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट करेगा. दो फोर्सेस हैं, कितने पे, 60 पे. तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ रूट थ्री के बराबर. किसी एक की वजह से फोर्स देख लें, एफ कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर रूट थ्री के बराबर. नेट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ नेट इसके बराबर. ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ. देख लो, नेक्स्ट आइए देखते हैं. एसर्शन, द लीनियर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यू. ठीक है, इक्वल एवरेज वैल्यू रखते हैं इन लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन ईएम वेव. ठीक है, तो इक्वल वैल्यू दोनों की दोनों हमारी क्या होती है, साइनोसॉइडल होती है. साइनोसॉइडल का मतलब हमारा जो होती है इन दोनों की एवरेज जो वो होगी, वैल्यू होगी, वो फुल साइकिल पे हमारी क्या होगी, जीरो के बराबर. ठीक है, रीजन, द इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड मैग्नेटिक्स एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यू. ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और कह रहा है मैग्नेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल वैल्यू होती है. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या होती है, दोनों की इक्वल होगी. कितनी होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर के बराबर. दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है, तो ये इस लाइन को क्या कर रही है, दोनों तो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो दोनों पोलराइज क्या होती हैं, एवरेज वैल्यू लिनियरली पोलराइज प्लेन इज ईएमएफ ईएम वेव. ठीक है, और इसमें सेकंड में कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है एवरेज वैल्यू. ठीक है, कितना होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर.
एनर्जी डेंसिटी और इसकी भी एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसके ही बराबर। तो दोनों हमारा क्या है, assertion और reason दोनों ट्रू है, ठीक है। ए क्लॉक दैट कीप ए करेक्ट टाइम एट इतना इज सब्जेक्टेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द पेंडुलम इज इतना, हाउ मच टाइम विल बी इट्स गेन आर लॉस, कितना टाइम गेन या लॉस करेगा। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर, यह हमें पता है। हाफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट ऑफ लीनियर कितना दिया है, अल्फा 12 × 10⁻⁶। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 − 20 = 20, ठीक है। इसको डिवाइड करें 6, और डेल्टा टी इक्वल टू पर डे मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसमें 60 × 60 / sec × 6 × 10⁻⁶, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.3 सेकेंड पर डे, ठीक है। इतने चेंज आएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट देख लो, इतने टाइम का गेन होगा पर डे। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के क्लोज सबसे क्या है, ब्लैक होल्स, ठीक है, क्या है, ब्लैक होल्स। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एट टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ये हमें एक्स दिया है, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमसे कह रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एक्स इक्वल टू क्या है, के बी मल्टीप्लाई कराया अंदर 1 से तो इतना ही माइनस के बाई बी ई के पावर माइनस बी टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करें dx बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा v के बराबर, ये कांस्टेंट है 0 + −k/b, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा माइनस बी, ठीक, e के पावर माइनस बी टी, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k e के पावर माइनस बी टी के बराबर, वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, k e के पावर माइनस बी टी के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल 3 times दैट ऑफ द अदर बबल्स, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी, हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो P क्या होता है, 2T/R, प्रेशर 1/R पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या होता है, आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, P1/P2 अगर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 3 वॉल्यूम का रेशियो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:27 के बराबर, ठीक है। इनवर्स का रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर कमिंग आउट ऑफ माउथ ऑफ ए टैप एंड फॉलिंग वर्टिकली इन स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉर्म ए टैप रिंग, ठीक है। द मास ऑफ द वाटर फ्लो पास्ट एनी क्रॉस सेक्शन मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, वाटर जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है जो वाटर होता है, ठीक है, और इसकी जो रेट वॉल्यूम का फ्लो होता है वो हमेशा रेट जो वॉल्यूम फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी इनटू एरिया के बराबर, अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगी, एरिया अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, द मास ऑफ वाटर फ्लो पास्ट एनी क्रॉस सेक्शन मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑल्सो वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, हेंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
फ्लो ऑफ मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट सो द इक्वल वेलोसिटी टू वेलोसिटी इन टू एरिया एरिया डिक्रीज तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा मतलब एरिया घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम घटेगा तो एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है नेक्स्ट इन द सर्किट शोन इन फिगर स्विच S1 इज क्लोज S1 को जब हम क्लोज करेंगे ठीक है ये क्या है ओपन है तो इसका कोई मतलब नहीं ठीक तो यहां से रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा ये सीरीज में है ये भी सीरीज में है ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6 और 6 पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ओम तो करंट कितना फ्लो करेगा करंट चलेगा I इज इक्वल टू बी बाई आर के बराबर 24/3 ये कितना हो जाएगा 8 यहां से करंट निकलेगा 8 एम्पियर का ठीक है दोनों में रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा डिवाइड होगा 4 इधर भी 4 ठीक है हमें पोटेंशियल बताना है VA माइनस VB हमने यहां से चलना चालू किया ऐसे तो इधर क्या हो रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप VA माइनस करंट इधर है तो 4 ये हमारा हो जाएगा प्लस 4 × 3 हमारा अब यहां से बढ़े तो करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -4 × 1 = VB तो VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12 में से 4 गया कितना हुआ 8 इस साइड जाएगा कितना हो जाएगा -8 वोल्ट के बराबर ठीक है कितना हो जाएगा -8 वोल्ट के बराबर सेकंड नेक्स्ट ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग 3 टाइम्स ऑफ द वेट मतलब टी कितना है टी है हमारा 3 mg के बराबर ठीक है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ठीक है टेंशन हमारा कितना हो जाएगा 3 mg 1 + cos θ के बराबर ठीक है कहां पे हमारा मैक्सिमम हो रहा है और टेंशन हमें कितना दिया है 3 mg इक्वल टू 3 mg 1 + cos θ यहां से हम थीटा निकाल ले ये कैंसिल 1 − 1 = cos θ cos θ = 0 तो θ = क्या हो जाएगा 90 तो जब हमारा ये क्या हो जाएगा ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा 90 पे होगा तो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है कब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जब पार्टिकल 90 पे होगी नेक्स्ट इफ द रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस बाय 4% देन द डेंसिटी रिमेन सेम एस्केप वेलोसिटी विल बी एस्केप वेलोसिटी हमारा क्या होता है यह होता है अंडर रूट 2 gm/r m इक्वल टू 4/3 πr³ मास ये हो गया ये डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल टू मास दे वी ठीक है डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये हम कर दिए इसको जब यहां पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक आर से एक आर कैंसिल तो ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो VE किसके बराबर हो जाएगा आर के जितना टाइम ये घटेगा उतने ही टाइम हमारी एस्केप वेलोसिटी रिड्यूस होगी ये कितने टाइम्स हो रहा है 4 times 4% तो ये भी 4% से रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट ए प्रोजेक्टाइल इज मूविंग एट 20 m/s एट दिस हाइट पॉइंट वेयर ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स ठीक है ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन वन पार्ट मूव वर्टिकली अपवर्ड इतना मीटर इन देन द अदर पार्ट विल बी ठीक है तो अदर पार्ट कितने से मूव करेगा ठीक है
हाईएस्ट पॉइंट पे जब ब्रेक करेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहां केवल कौन सी वेलोसिटी होती है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कितना दिया है? 20। तो ये 20 आई मास मान ले रहा है, पहले कितना था पी इनिशियल 2m, तो वेलोसिटी कितनी थी 2i के बराबर, इक्वल टू फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ये ऊपर जा रहा है कितने से? हाफ मास जा रहा है m, 2 का हाफ कितना हो जाएगा m, कितने से जा रहा है 30j से, प्लस अदर पार्ट मास m, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। हर तरफ से मास कॉमन करके डिवाइड कर दें, ये कितना हो जाएगा 40i, ठीक है। ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30j इक्वल टू वी डैश, तो वी डैश की अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ए ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम द अपर प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर बाय स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज टी, when block is unchanged the charge q give to the block then the new time period oscillation will be, ठीक है। जब हम यहां पे चार्ज रखेंगे q, तो ये फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ qv, ठीक है। mg भी क्या होगा? नीचे की तरफ, ठीक। दोनों क्या है? कांस्टेंट। इसको मान लो यहां कितना एक्सपेंड किया होगा k, ठीक। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स माइनस के एक्स के बराबर, ठीक है। और ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है, तो एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स से एक्स गया, ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम के बराबर। तो पहले भी हमारा अगर ये नहीं होता क्यू चार, तो भी हमारा कितना होता टाइम पीरियड 2π अंडर रूट एम बाई के बराबर, और इससे भी हमारा कितना आ रहा है t इक्वल टू 2π अंडर रूट एम बाई के बराबर। तो टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा, पहले t था तो अब भी t ही रहेगा, देख लो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी f इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन हमारे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इनसे किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ फोटोन भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। टू क्वाइल सेल्फ इंडक्टेंस 2 mH एंड 8 mH आर प्लेस्ड सो क्लोज टूगेदर that the effective flux in one coil is completely linked with other, the mutual inductance between this coil, ठीक है। mutual inductance कितना हो जाएगा? यह होता है under root L1 L2 के बराबर। L1 कितना दिया है 2 × 8 = 16, यह कितना हो जाएगा 4 mH के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा 4, देख लो। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज एंड इतना वोल्ट इनपुट हैज 8:1 टर्न रेशियो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 ही। नेक्स्ट, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम इतना इतना इन 1/10 पर सेकेंड देन द चार्ज विच फ्लो इन द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 7
तो हमारा क्या हो जाएगा चार्ज, q इज इक्वल टू होता है n डेल्टा फाई, n डेल्टा फाई बाई r के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, n वन है, ये वन बाई सेवन डेल्टा फाई, ये कहां से कहां चेंज हो रहा है, 1.35 माइनस 0.79, ठीक है। इसको घटाएंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.08 के बराबर, 0.08 कूलाम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ए मैन गोज टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस, द वेट ऑफ द पर्सन एट हाइट रिलेटिव टू विस वेट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें पूछ रहा है, वेट क्या होता है एम जी, और जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू होता है जी एम आर स्क्वायर के बराबर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वन अपॉन आर स्क्वायर। तो लिखे हैं यहां वेट, पहले के लिए मास तो दोनों डिवाइड ही हो जाएंगे, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये डब्ल्यू है, अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर के बराबर, ये है आर स्क्वायर। कितने हाइट ऊपर जा रहा है, एच हाइट जा रहा है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, टू आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई फोर के बराबर। कितना हो जाएगा वेट, वन बाई फोर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, एज सोन इन फिगर ए मेटल रॉड रेट मेक्स कॉन्टेक्ट विद द पार्सल कंप्लीटेड इन सर्किट्स, सर्किट एरिया इज, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है इतना, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का दिया है इतना, नीड टू मूव रॉड इंडिकेट्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ये भी हमें दिया है, ठीक है। अभी क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स निकालते हैं पहले, E इक्वल टू क्या होता है, बी बी एल। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 1, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी 50/100, ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 1, ठीक है 1 आ गया। करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई आर, 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी एल, ये हो गया 1/2, 1 और एल कितना है 50/100, इसको डिवाइड करें 1/4 मतलब 2.5 न्यूटन के बराबर। कितना फोर्स लगेगा, 0.25 न्यूटन के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, फाइव एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई हैव वर्क फंक्शन, ये सारे हमें वर्क फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस एलिमेंट, देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, कौन कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, जो ई की वैल्यू वर्क फंक्शन से जिनका ज्यादा होगा वो एमिट करेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं ई की वैल्यू किससे ज्यादा है, 12400 अपॉन कितना वेवलेंथ दिया है 4000, ये इससे ये पॉइंट, तो ये हो गया 3.1 से जो भी वर्क फंक्शन कम होगा वो हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगी। तो कौन कौन से काम है, ये और ये, ए और बी हमारी क्या करेगी, एमिट करेगी, बाकी सब नहीं, देख लो। ये हमारा एमिशन का कंडीशन होता है, E इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। नेक्स्ट, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का एनर्जी रेडियस हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे एनर्जी हमें ये दी गई है, तो E इक्वल टू क्या होता है, -13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहां से निकालते हैं कितना दिया है ये, माइनस 54.4 इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, एन इक्वल टू 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये माइनस से माइनस गया, 13 से इसको डिवाइड करेंगे 4, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। तो हमारा रेडियस क्या होता है, ये होता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ये कितना होता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या रखता है, फर्स्ट बोअर ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, तो 0.53 बाई जेड की वैल्यू कितनी है, ये 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 और 6, 5, 0.265 के अप्रोक्स आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, व्हेन ए रेक्टेंगुलर मेटल टैंक इज फिल्ड विद टॉप विद ए अननोन लिक्विड एज ऑब्जर्व विद आई लेवल विथ द टॉप टैंक कैन जस्ट सी द कॉर्नर ऑफ द रे ट्रांसफर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड सोन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, हमसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पूछ रहा है, ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रे ऐसे जा रही है, ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर यहां हम थीटा सी क्रिटिकल एंगल देखें, ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रही है, ठीक है, तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4/5, ठीक है, ये हो गया, ठीक। म्यू हमें निकालना है, म्यू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/म्यू, तो ये हमारा म्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे लेके आए तो म्यू इक्वल टू हो जाएगी हमारा 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, ये कोई भी मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी का ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, मेजरमेंट पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।